हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे अपना हेयर कलर चेंज कराना था, बहुत नीचे हो गया, मतलब एक तरीके से ख़त्म ही हो गया, मतलब बहुत नीचे आ गया है। और वैसे भी मुझे काफ़ी दिन से था कि राखी पे भी था कि मुझे कलर चेंज करा लूँ, बट टाइम नहीं लगा। फिर करवा चौथ भी आ रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने करवा चौथ पे करा था ना, एक साल हो गया है ना निदेश, करवा चौथ पे ही करा के आई थी ना जब मैं उर्दीपुर आपके आते लास्ट, है ना। और तो एक साल हो गया मेरे इस कलर को, तो वापस से करवा चौथ आ रहा, तो मैंने कहा चलो उससे पहले कलर चेंज करा लेते हैं। फिर नितेश का बर्थडे भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो करा लेते हैं, कुछ डिफरेंट लुक हो जाएगा। तो मुझे मैंने बताया था कि हेयर कलर करा के आना है चेंज और केराटिन करा के आना, क्योंकि बाल थोड़े से रफ हो गए हैं स्टार्टिंग, मतलब कलर से हो जाते हैं और दोबारा कलर होगा तो रफ हो जाएंगे, तो साथ साथ केराटिन लूँगी इस बार और थोड़ी सी कटिंग कराऊंगी। ठीक है, कटिंग कराऊंगी। क्यों कराऊंगी कटिंग? कटिंग भी तो कराऊंगी। क्यों? ऐसे ही कटिंग भी करेगा वो? हाँ, अभी तो बड़े हैं तेरे बाल। दोबारा बढ़ जाएंगे, गंजी हो गई है सीधे, इतने इतने कराए होंगे। ठीक है, नहीं इतने इतने करा लूंगी, देख लूंगी मैं अपने हिसाब से करा लूंगी। और मेरी टी शर्ट पहन निकल छोड़ेगा तू गाइस ना, ये जैसे ही नहाता है धोता है और मेरी टी शर्ट पहन लेता है, कभी रेड कभी ब्लैक कभी कोई। तो हमारे घर चला रही है, हमारे घर चला रही है तेरी टी शर्ट आवे नहीं है मेरा। गाइस मेरे को मीडियम ठीक आता है, इसको मीडियम भी लूज आता है, मतलब पतला है ना ज्यादा, इसलिए स्टॉक उतर रहा भाई किस चीज का। अच्छा तो गाइस चलो हम पहुंचने ही वाले हैं, और जो भी जो भी कलर वो कराऊंगी मैं, आप प्लीज कमेंट करके बताना फाइनल लुक में मेरे, और कि आपको कैसा लगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि सलोन में, ये बैठ पे ऐसे क्या नाम, हेयर एक्सपर्ट सलोन। ये है उत्तम नगर में ओम विहार फेज 2 में है। कौन सा पब्लिक स्कूल है भैया? हाँ, एंजल पब्लिक स्कूल के नियर बाय लोकेशन। ठीक है, अपनी लास्ट शादी करा लेना जो हर टाइम कराते हो। और गाइस अभी मैंने बहुत सारे सेव भी कर रखे हैं, भैया के साथ डिस्कस करने के बाद भैया बताएंगे कि कौन सा कलर सूट करेगा, क्योंकि मैं हर टाइम ब्राउनिश में जाती हूँ, मैंने 3 बार कलर कराया तो मैं ब्राउनिश शेड में ही गई हूँ, इस बार थोड़ा डिफरेंट सोच रही हूँ, बट सूट करने के ऊपर डिपेंड है मेरे टोन के अकॉर्डिंग कि कैसा सूट करेगा, तो भैया ही बता पाएंगे और उसके बाद आपको दिखाऊँगा। इधर इधर डिमांड बता दी कुर्सी पे बैठते ही। या स्नो कलर करवा दे तेरे बाल। तो गाइस नितेश भी बैठ गए हैं, नितेश अभी पहले अपने भैया अगर मैं कलर कराऊं तो सूट करेगा मेरे ऊपर? कौन सा भैया? कुछ भी, वाइट वाला बालों में कुछ भी हां सूट करेगा तेरे बाल दिए ब्राउन जी पागल है के साले। तो गाइस नितेश भी करा रहे हैं, पहले बियर्ड करा रहे हैं, फिर ये क्या कराएंगे पता नहीं, कह रहे बाल घुंघराल लेकर आऊंगा, ब्राउन कलर दिखाओ। अब ये भी बैठ गया है अपनी कटिंग दाढ़ी सेट करवाने, अब ये भी दाढ़ी सेट करा के इसको डीटेन कराना है, तो ये भी डीटेन कराएगा। नितेश को नितेश की बर्थडे दिखा दो, क्या लगाया आपने, क्या है? ब्लीच। बस D10 करा रहे हैं गाइस और कुछ नहीं, ये तो इनको घिना दिया है, कुछ कुछ यूज करने, तो क्रीम भी यूज नहीं करते, नहीं करते ना क्रीम यूज, पता नहीं क्यों इनको बहुत ज्यादा अजीब, मतलब घिनाती है इनको, कहते हैं मैं ही लगा लेती हूँ ना तो मुझसे इतना वो करते हैं कि ये वो क्यों लगा लिया, चिपचिप हो रहा है ऐसे वैसे। और ये देखो, ये वो भैया जिनका सलोन है गाइस, आप पे विजिट करना, पहले मैं अपना कलर करा लूँ, आपको अच्छा लगेगा, और केराटिन भी कराऊंगी, मेरे बाल ड्राई नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद आप लोग बताना कमेंट करके कि मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और मतलब सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, ये बड़ी मूंछ आपने ऐसी छुड़वाई है? ज्यादा बड़ी लग रही है। हां ज्यादा बड़ी लग रही है भैया, क्या मूंछ वाली नहीं तो मुझे तो लग रही है, पेट कम दिखने कर रहा है, अजीब लग रही है, दो तीन करवा दूँ। हो गया फ्री? कितनी भी है मैडम, ठीक है। जतिन तू फ्री हो जा, कैसे करके मानेगा?
जो जतिन पता ना के करवाण लग रहा है ऐसा फ्री ना हो पा रहा है जतिन ऐसा भी की करवा रहा तू और गाइस मेरा भी जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है मेरे बालों का अभी, पर मुझे इनसे ज्यादा टाइम लगेगा तो ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मुझे 4-5 घंटे लगेंगे एग्जैक्ट। तो जैसे ही जितिन की कटिंग भी हो जाती है फिर लोग चले जाएंगे क्योंकि मेरा रियो भी घर पे अकेला है, मैंने इतनी देर रियो को कभी नहीं छोड़ा और फिर नितेश मुझे लेने आ जाएंगे शाम को। मेरा जो कलर है वो लग चुका है, अब रिजल्ट देखेंगे कैसा आएगा। पीछे सॉन्ग चल रहे हैं तो मुझे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनानी पड़ रही है। मुझे लग रही थी भूख, 5 बज गए ना भैया, टाइम क्या हो गया, 6 बज गए, 6 गाइस करेक्ट 6 बज चुके हैं अभी। तो कितना टाइम और लगेगा हमें, 2 घंटे और लगेंगे, 6-7-8 बजे तक। तो मैं 8 बजे तक फ्री हो पाऊंगी। मुझे लग रही थी भूख तो मैंने अपने लिए वही फेवरेट मेरे सैंडविच डफन क्रीम के सैंडविच मंगाया, मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई है और मैंने पास्ता भी मंगाया है। पास्ता मैं इसका फर्स्ट टाइम खाऊंगी, पता नहीं कैसा होगा, बट मैंने व्हाइट सॉस नहीं मंगाया इस बार, मैंने मिक्स सॉस वाले ही मंगाया है। और सैंडविच तो इसके हैं ही ऑलमोस्ट, मेरे फेवरेट ही हैं, और कोल्ड कॉफी भी मंगाई है। तो चलो अभी ये खाते हैं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। मेरा ग्रिल्ड वेज सैंडविच साथ में इसके आते हैं फ्रेंच फ्राइज, और अभी हम लेंगे सॉस, सॉस के साथ इसको खाएंगे। बहुत सारी सॉस दे दी उन्होंने, और फिर उसके बाद मेरा पास्ता भी रखा, फिर मैं वो खाऊंगी और उसमें पता नहीं क्या है, वो भी खोल के देखती हूँ क्या है। तो गाइज कुछ कुछ ऐसा, अभी वैसे मेरे बाल गीले हैं और मेरा वॉश हो गया है, अब हम जा रहे हैं केराटिन के पार्ट पे। अब होने जा रहा है मेरे बालों में केराटिन, क्योंकि इस बार मैंने पक्का सोचा हुआ था कि मैं जब भी कलर अपना चेंज कराऊंगी मैं केराटिन लूंगी ही लूंगी, जिससे मेरे बाल डैमेज ना हो और मुझे भी अपने बालों में रफनेस या फिर ड्राइनेस फील ना, इसी वजह से। और मेरा तो एक ही सैंडविच में पेट भर गया, कोई नहीं, मैं पास्ता रखा घर ले जाऊंगी, घर जाके खा लूंगी, कॉफ़ी में पेट भर गया। और अब भैया करने जा रहे हैं केराटिन, कौन सी केराटिन कर रहे हो, जीके की? जीके की केराटिन कर रहे हैं। जीके बेस्ट होती है, जीके से बेस्ट कोई केराटिन नहीं है। अच्छा, और वो जो दूसरा ब्रांड है वो क्या है, शॉशकॉफ क्या बोलते हैं उसको, किस चीज़ में होता है वो, क्या स्मूथनिंग होती है? अच्छा स्मूथनिंग होती है, कलर भी होते हैं उसके। अच्छा अच्छा, केराटिन जीके की होती है, ओके। जीके के शैम्पूज वगैरह भी आते हैं, है ना। स्टार्ट हो गया मेरा ड्राई, मेरे हेयर ड्राई हो गए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। फाइनली मेरा जो कलर है वो हो गया है, इस बार मैंने ये कलर लिया है, और आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा होगा, अभी एकदम से हुआ तो मुझे भी थोड़ा अपना फेस अजीब लग रहा है। बाकी भैया कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, पक्का मेरे फेस पे सूट कर रहा है, बहुत सूट कर रहा है। मेरा टोन डल तो नहीं हो गया, नहीं टोन डल, अपू है, अपू है, ठीक है। तो मेरी केराटिन भी हो गई है कलर के बाद, और अभी बस मेरी प्रेसिंग चल रही है, ये लास्ट है ना, ये लास्ट प्रोसेस है ना, ये लास्ट प्रोसेस है, आफ्टर दैट मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मुझे थर्ड डे आना है वॉश के लिए, फिर उसके बाद मेरे बाल और ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको, है ना, उसके बाद ही अच्छे लगेंगे, हाँ, जो केराटिन का वॉश होता है उसके बाद ही मेरे बाल और अच्छे लगेंगे। बाकी मैंने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कलाया कलर को, कितना अप डाउन हुआ है कलर में, थोड़ा सा आप किया है इसमें, थोड़ा सा कॉपर टोन मिक्स किया। अच्छा, पहले मेरा प्रॉपर ब्राउनिश था, भैया ने कॉपर टोन इसमें मिक्स किया है, और बट अच्छा लग रहा है हमें सामने से, मतलब रियलिटी में और अच्छा लग रहा है। बाकी आपको नहीं पता कैमरे में कैसा लग रहा होगा, बट फिर भी आप कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको देखने के बाद कैसा लग रहा है। बाकी जब मैं रेडी शेडी होके वीडियोज बनाऊंगी फिर भी थोड़ा और अच्छा लगे, तब ज्यादा भी अच्छा लगेगा ना, अभी फिर प्रोडक्ट में है ना हेयर के अंदर, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, अभी केराटिन का प्रोडक्ट है तो इस वजह से। तो बाकी चलो फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा हेयर कलर कैसा लगा। गाइस मेरा जो हेयर कलर है वो डन हो चुका है, और ये कुछ ऐसा आया है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है, और वैसे ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट फिर भी अब मेरी प्रेसिंग भी हो गई है, और बस मुझे थर्ड डे आके वॉश कराना है, बाकी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम बट भैया ने कहा 15 डेज बाद हम चेंज करेंगे इसको, करेंगे हाँ जी, 15 डेज बाद, हाँ जी। तो भैया कह रहे 15 डेज बाद हम इसको चेंज करेंगे, तो वो भी आपको दिखेगा। बाकी इतना कुछ अलग नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप पर कमेंट करके फिर भी जरूर बताना, ठीक है। तो चलो कटिंग करा लूँ गाइस, थोड़ी सी कटिंग करा लूँ अपने बालों की, वैसे तो आपको मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, आप रास्ते पूछते हो, रास्ता कुछ है नहीं, फिर बढ़ जाएंगे, क्या हो गया, थोड़ी सी कटिंग करा लेती हूँ, है ना। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई, मतलब वेलकम बैक टू व्लॉग। और मैं आई थी रात को, कलर वलर करा के मैं आ गई थी
10 बज गए थे मुझे आते आते, और अब सुबह हो रही है, मतलब 11:30 हो गए, 11:30। मैं 11 बजे करेक्ट उठ गई थी, और क्योंकि अलार्म लगाए हुए थे रितेश ने काफ़ी सारे, फिर पापा का कॉल भी आ गया था। और कल मैं रात को ऐसे ही सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी कल मैं, तो मैं कल मेकअप को लेकर सो गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं करी थी। एक मिनट गाइस, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं वो उठा के आपसे बात कर रही थी कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। एक्चुअली मेरे 2-3 इवेंट्स हैं इसी मंथ में, सितंबर में, तो मैं उसी के रिगार्डिंग कॉल आया था। और मतलब लाइव स्टेज मेकअप शोज हैं, दो हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी तैयारियाँ चल रही हैं मेरी, इस दोनों ही इस सितंबर की एंड में हैं। और आप लोग कैसे हो बताओ ज़रा। हाँ तो मैं बताई थी रात को लेट हो गई थी, उसके बाद मैं 3 बजे की गई हुई थी गाइस, और मैं 3 बजे की बैठी बैठी इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, मैं जब आकर मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कल, तो मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये रहे नितेश उठ चुके हैं, और ये रहा जतिन कैसे सो रहा है। आपने ब्रश भी कर ली? तो हाँ बना रही हूँ बस। तो गाइज पर आज तो परांठे बनाऊँ ना, कल भी नहीं खाए थे। हाँ तो मैं कह रही थी कि फिर हाँ कमेंट करके बताना कि फिर आपको मेरा कलर कैसा लगा, ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंट, मतलब ज़्यादा अप या डाउन टोन में नहीं कराया मैंने, उसी से मिलता जुलता कुछ ऐसे करा, क्योंकि यार मुझे ना बहुत डर लगता है कि मैं लाइट में चली जाऊँगी, मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा। मतलब ना मुझे ऐश कलर्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ऐश कलर्स ना बहुत अजीब लगते हैं, वो बहुत रेयर फेसों पे सूट करते हैं, और बट ऐसा नहीं है। और मैं सबसे पहले खुद ही भी सूट करेगा नहीं करेगा, बाद में करने का तो वो मतलब मैं सोचती ही नहीं भी करेगा अभी या नहीं करेगा, मतलब मैं खुद ही सोचती थी यार सूट करेगा नहीं करेगा, तो इसी वजह से। और ये रह रही है, इसको भी मस्ती आ रही है गाइस, कल से इसका खाना ख़त्म, कल रात रियो का खाना ख़त्म हो गया था, और कल मेरा रियो पूरा दिन अकेला भी था घर में, कुछ मीली बिच्ची ले, ये रियो की फेवरेट, छोड़ना इसको, छोड़ तो दो, ये रियो की फेवरेट बॉल है बस, इसको रियो का यो ये पता है कि ये इसका टॉय है राज, ले तो ले ले, ये देखो ये इसका फेवरेट टॉय है मेरे बच्चे का, इसको यही पता है कि ये इसका टॉय है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। और बाकी नितेश का बर्थडे आ रहा है, आपने कमेंट करके बताया नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए नितेश को। और बाकी आप क्या कह रहे थे, आप रात को मुझे कुछ कह रहे थे कि मुझे ये गिफ्ट दे दियो ना। क्या कुछ नहीं जतिन भैया जरा बता ये मुझे कुछ और बोल रहे थे कि गाइस मुझे ये गिफ्ट कि तू ना मुझे चल ये दे दियो, मैंने कहा चलो ठीक है कि मेरे काम भी आएगा। और किसी का कमेंट आया मेरे लास्ट ब्लॉग पे, आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए इतने अच्छे दिन कहाँ गाइस मेरे। और अभी हो रही है मेरे घर में सफाई, आफ्टर देन मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। और मैं भी आज पापा का बर्थडे है, मतलब आज नहीं रात को है ना, तो हम रात को चलेंगे या कल सुबह? आज रात को, पर पापा तो सो जाते हैं, तो हम 12 बजे चलेंगे, उससे पहले चलेंगे। तो चलो गाइज, मेरा एक सूट है वो थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज आ रखा है, वैसे मीडियम साइज मुझे आ जाता है, लेकिन वो फ्रॉक वाले टाइप में है, तो उसमें मुझे प्रॉपर फिटिंग चाहिए। तो अभी मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी किसी टेलर के पास, मतलब खाली स्टिचिंग करानी है, थोड़ी सी फिटिंग करानी है, ऑल्टर कराना है सॉरी, हाँ तो ऑल्टर कराने जाऊंगी। फिर उसके बाद कुछ नहीं, नहा धो के रेडी हो जाएंगे, फिर चलेंगे शाम को घर, तब तक मैं कर लेती हूँ तैयारी। और रियो का खाना भी आ रहा है मेरी बच्ची है, हाँ यार आज मुझे मशीन भी लगानी है गाइज, तो चलो मैं मशीन भी लगा लेती हूँ, बाकी वो तो आपको लास्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे, होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।